पैसे के बारे में हमारा क्या सुबह संवाद रहता है उसके बारे में मैं आपसे आज बातचीत करने वाला हूँ। तो आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला, नागपुर, पुणे, मुंबई, यहाँ हमारे हॉस्पिटल्स है। मनोरुग्ण तथा व्यसनी लोगों का इलाज करना, उनको बिना रिश्तेदार या रिश्तेदारों के समेत भर्ती करना और उनका इलाज करना, यह हमारा मिशन है। सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य, व्यसन मुक्त भारत, ये हमारा विजन है। काफ़ी लोग पैसे के बारे में कुछ निगेटिव स्व संवाद रखते हैं। उनके अंदर के विचार जो है पैसे के बारे में काफ़ी निगेटिव रहते हैं। पैसे गए, मेरे पैसे गए और वो जाना नहीं चाहिए था, ऐसा उनका पैसों के बारे में एक स्व संवाद चालू रहता है, मन के मन में विचार चालू रहता है। कुछ लोग ऐसे बोलते कि नहीं, मेरे पास में 500 की, 2000 की नोट रही तो तब तक वो मेरे पास में टिकती है, एक बार उसकी चिल्लर मैंने कर दिया, एक बार खर्चा करना चालू कर दिया तो बाकी के पैसे फटाफट फटाफट निकल जाते हैं। या कुछ लोग बोलते कि हमारे 500 की नोट का पूरा बंडल है, तो जब तक बंडल है तब तक मेरे पास में बराबर टिकता है, वो एक बार वो तोड़ना चालू किया बंडल, या 100 रुपये का भी बंडल होगा, 100 रुपये के नोट का भी बंडल होगा, एक बार तोड़ना चालू करके फटाफट ख़त्म हो जाता है। और वो लोग बोलते कि हमारे खिसे में पैसे टिकते नहीं हैं, और उनका स्व संवाद रहता है कि मेरे पास में पैसे टिकते नहीं हैं और मैं बहुत वेस्ट करता हूँ या खर्चा करता हूँ। जैसा पति पत्नी होटल में गए और वहाँ उन्होंने एक 400 रुपये या 500 रुपये खर्चा किए और एक अच्छा खाना खा लिया, तो लोग बोलते देखो इसके बदले में घर में खाना खाता था, या हम घर में खाना खाते तो 500 रुपये बच जाते थे। मतलब उनको ऐसा लगता है कि मैंने पैसे वेस्ट किए। या गाड़ी के लिए हमने गाड़ी के लिए पेट्रोल डाल दिया और पेट्रोल के लिए पैसा खर्चा किया, देखो बोले पेट्रोल चले गया, आपने फालतू गाड़ी घुमा दिया, कम घुमाना चाहिए था, पेट्रोल में इतना खर्चा हो गया। तो हम उसके बारे में बात करते कि मेरे पैसे कितने गए। या कोई ड्रेस खरीदा या कोई शर्ट पैंट साड़ी खरीद लिया तो उसमें देखो मेरे पैसे गए। तो लोग पैसे गए इसके ऊपर फोकस लोगों का रहता है, इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन रहता है। ये नहीं है क्या उसके बदले कि नहीं, मैंने जो पैसे खर्चा किए उसके बदले मैंने कुछ तो भी लिया हुआ है, मुझे उसके बदले में कुछ मिला है और उसका मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ और वो इस्तेमाल करके मेरा जीवन मैं आगे बढ़ाने वाला हूँ। तो देखो दो बातें, एक तो ऐसे कि मेरे पैसे गए वहाँ फोकस रह सकता है, या जो मैंने खरीदा है वो पैसे से उसके ऊपर मेरा फोकस रह सकता है, क्योंकि हाथ में पैसा टिकता नहीं, ऐसा कॉमन डायलॉग रहता है, हाथ में मेरा पैसा टिकता नहीं, पैसा क्या झाड़ को लगते हैं क्या, पैसे क्या पेड़ को लगते हैं क्या, है ना। पैसा मतलब एक एक पैसा जमा करना पड़ता है तब पैसा जमा होता है, ऐसा मतलब पैसे के बारे में बहुत लोगों के ऐसे डायलॉग है कि जो डायलॉग बताते कि पैसा बहुत हार्ड है टू रिटेन। मगर जो लोग बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, जो लोग बहुत बड़े बड़े पैसे भी खर्च करते हैं, बड़ी 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 गाड़ियाँ लेंगे, बड़े होटल्स में रहेंगे, उनके पास में तो बहुत पैसे हैं, तो उनका फोकस रहता है कि मैं ज़्यादा पैसे कहाँ से कमाऊँ। क्योंकि हमने पैसे खर्चा कम करना उसके ऊपर फोकस देना है कि पैसा ज़्यादा कमाना है उसके ऊपर फोकस करना है, ये महत्व का है। मराठी में ऐसी कहावत है कि साखरे से खाना त्याला देव देणार, इसका मतलब ऐसा है कि तुम शक्कर खाएंगे और शक्कर का खाएंगे तो आपको भगवान देंगे और भर भर के। या इस्लाम में ऐसा बोला जाता है कि हे अल्लाह मुझे ज्यादा पैसा खर्च करने की ताकत दे, अब मैं ज्यादा पैसा खर्चा करूँ ज्यादा कमाऊंगा भी, नहीं तो ज्यादा कहाँ से पैसा खर्चा करूंगा। तो अपना ख्याल हरदम पैसा कमाने के ऊपर रखो, पैसे के बारे में हरदम अच्छा स्व संवाद रखो, पैसे को रिस्पेक्ट दो। लोगों के पैसे मनी पर्स में रहते हैं तो वहाँ भी ऐसी फटी पुरानी मनी पर्स रहती है, फटीचर बिल्कुल, इसको काफ़ी छेद रहेंगे, बहुत ख़राब मनी पर्स रहेंगी और उसमें नोट भी बहुत ख़राब नोटें पड़े रहेंगी। इसके बदले अच्छी मनी पर्स है, पैसे को कीमत दो, पैसे को कीमत, पैसे के नोट है उसको कीमत दो, वो भगवान की तरह उसको ट्रीट करो। और जब आपकी मतलब उसका उसके तरफ देखना रुझान ऐसा हो जाएगा तो डेफिनेटली आपको पैसा बहुत मिलेगा। तो पैसे का सम्मान करना है, पैसे के बारे में सकारात्मक विचार रखना है, पैसे के बारे में स्व संवाद सकारात्मक रखने का है, वो यदि रखेंगे तो आपको पैसा कभी कम पड़ेगा नहीं। खर्चा कम करने के बदले पैसा ज़्यादा कैसे कमाना है, और वो भी मैंने पहले वीडियो में बताया कि भाई क्रिएटिविटी कहाँ से मैं करूँ और कौन सी नई क्रिएटिविटी करूँ
कि जो क्रिएटिविटी मैं करता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा पैसा मिल सकता है। तो वहाँ यदि आपका फोकस रहेगा तो डेफिनेटली आप अमीर बन जाएंगे और बहुत ही कम समय में। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और वो बेल आइकॉन आता है उसके ऊपर क्लिक करो ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।